केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद सरकार की उपलब्धियों के बखान कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। हरदोई पहुंचे मंत्री सतीश महाना ने रामपुर में लड़की से छेड़छाड़ के वायरल हुए वीडियो के मामले में कहा कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी और सजा जरूर देगी। उन्होंने इस मामले में आजम खान के बयान पर भी चुटकी ली और कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में उनके बहुत बेतुके बयान होते थे और ऐसे मामलों में किसी प्रकार का बयान देना ठीक नहीं, जैसा आजम ने कहा है। सपा सरकार द्वारा यूपी सरकार को घेरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सरकार को समय कितना ही हुआ है, जब गुंडे अपराधी पकड़े जाएंगे तो यही समाजवादी कहेंगे उनके कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। जब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं, वो 50 सीटों से भी कम आ गए, जो कहते थे कि हम गठबंधन के साथ 300 सरकार बनाएंगे, जिनको पहले ही अविश्वास था। अगर उनको विश्वास होता कि सरकार, उनके जो कुकर्म थे उससे पहले वो मान गए थे कि उन्होंने सरकार में नहीं आना, इसीलिए उन्होंने सारे के सारे पाप किए थे। एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत कुछ शराब के माफियाओं को अगले 2 साल तक का ठेका उन्होंने दे दिया, जो कि किसी भी तरीके से ना नैतिकता के हिसाब से ना कानून के हिसाब से। ऐसे जो लोग 5 साल के अंतर्गत जिन्होंने प्रदेश को लूटा है, अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते, अभी तो 2 महीने नहीं हुए, अभी तो परेशानी उनको होगी। जिस समय हम अपराधियों के ऊपर नकेल कसेंगे, उस समय वो कहेंगे कि अब अपराधियों को नहीं पकड़ रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, क्योंकि अधिकांशता उन्हीं से लोग संबंधित थे। अभी धीरे धीरे उनकी कुछ परेशानियाँ बढ़ेंगी और वो ये करेंगे। सर, नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।